नमस्कार, बीसीएन न्यूज के इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं दिशा सभी का स्वागत करती हूँ। कनान क्षेत्र में अवैध कोयले मामले में युवा सेना पदाधिकारी लखन यादव, लोकेश बावनकर, समीर मेशराम की मदद से कनान पुलिस ने तालों पर रेड डाला। विभिन्न जगहों पर 12 मार्च की रात में पुलिस ने कोयला पकड़ा। कोयले की कीमत लाखों रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ एक 12 चक्का ट्रक भी मौके पर बरामद हुआ, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में कन्हान अवैध कोयला किंग उमेश पानतावनी, भुजंग महल्ले, मिथुन नडार, बादल सौरे, आकाश सौरे व अन्य पर धारा 109, 34, 369 इत्यादि के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू है। दर्शकों, इस घटना में गोंडेगांव सब एरिया तरुण कुमार त्रिवेदी को जब यह मामला पता चला तो उन्होंने साफ अपना पल्ला छाल लिया कि मैं रात में कुछ नहीं कर सकता, जो करना है आप ही लोग करो। दर्शकों, जिस खदान का कोयला पुलिस ने पकड़ा उनमें से 3 अवैध टाल गोंडेगांव खदान से डुमरी रेलवे साइडिंग जाने वाले मार्ग पर मिला। अर्थात कोयला तरुण कुमार त्रिवेदी के खदान गोंडेगांव से आता है, फिर भी एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसा बयान देता है। मतलब साफ है कि क्या इन सभी टाल में तरुण कुमार त्रिवेदी की भी मिलीभगत तो नहीं। वहीं नागपुर एरिया जीएम आभाष चंद्र सिंह और सब एरिया कामटी विनय कुमार ने पुलिस की यथासंभव मदद की। कितना पैसा देता तुमका एक दिन का? 400 रुपए रोजी। कितने से कितने बजे तक काम चलता है? 6 बजे सुबह के। फिर ये माल कहाँ लेके जाते हैं? गाड़ी आती है। कौन सी गाड़ी आती है? हुसैन। क्या उम्र है? 35। कहाँ रहे ना? गोंडेगांव। गोंडेगांव में कहाँ रहे थे? कॉलोनी के पास। कोई वार्ड वोड है? चार। जिसका माल है ये? सरनेम क्या है? महल्ले। अब सवाल है कि यह टाल नेशनल हाईवे पर रात भर चलता है, पर कन्हान पुलिस के थानेदार विलास काले को यह दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में युवा सेना के पदाधिकारियों को इसमें दखल देना पड़ा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कोयले के अवैध काम कन्हान के बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। वो नेता कौन है यह भी जानकारी हम जल्द आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस मामले में कन्हान पुलिस और DYSP मुख्तार बागवान की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या ये टाल फिर से शुरू हो जाएगा, अब बंद ही रहेगा, इस पे नजर टिकी हुई है। जल्द नए खुलासे के साथ हम वापस लौटेंगे, तब तक आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।